नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अंकिता सिंह। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां पुलिस में तैनात एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि सर्विस राइफल को साफ करते हुए गलती से गोली चलने से मौत हुई है। वहीं परिवार के लोग हत्या का संदेह जता रहे हैं। जिन्हां दे सामने एक्सीडेंट फेयर होया, कित्थे बंदे हो? इन्हां ने मारिया वा, पैसे लेके मरवाया इन्हां ने। तुहानू की लगदा सर? पैसे लेके मरवाया इन्हां ने। अच्छा जी। हां जी, सारे ने मिली भुगती शास। जदों इत्थे बंदे दे नाल दो बंदे ड्यूटी ते आ, ओह क्यों नहीं दस रही पुलिस सानू कित्थे आ? करनैल सिंह सानू सरदार सुलक्कण सिंह पिंड उगरेवाल ड्यूटी थाना कोटली सूरत मल्ली बतौर एएसआई ड्यूटी कर रहे आ। ये पीसीआर में ते मेरे मामा जी आ। एक घंटा पहले मेरे नाल गल हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। पुलिस की कह रही है? पुलिस कह रही सानू पता नहीं, सानू एक्सीडेंटल फायर होया। एक्सीडेंटल फायर होया, दो बंदे नाल वाले कित्थे आ? ड्यूटी तीन बंदियां दी हुंदी आ, उन्हां दा नाम नहीं दस रहे। क्यों नहीं दस रहे? क्यों नहीं दस रहे भाजी उन्हां दा नाम? है एक्सीडेंटल फायर हो गया, उहदे कोल पिस्टल आ, उह गड्डी उह चलाउंदा, पिछे उहनूं किद्दां गोली वज गई? उह दो बंदे कित्थे नाल वाले? एएसआई करनैल सिंह बटाला पुलिस की रैपिड रोलर रिस्पांस टीम में तैनात थे और थाना कोटली सूरत मल्ली के क्षेत्र ध्यानपुर में ड्यूटी कर रहे थे। मृतक करनैल सिंह की बेटी हरप्रीत कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पिता की हत्या की गई है। हरप्रीत कौर और अन्य परिजनों ने कहा कि उसके पिता लंबे समय से पुलिस में नौकरी कर रहे थे, उन्हें राइफल संभालने और संचालन की अच्छी जानकारी थी। उन्हें मालूम था कि राइफल किस तरह साफ की जाती है और क्या सावधानियां रखी जाती हैं। जिस स्थान पर उनकी मौत हुई वह जगह उनके घर के पास ही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हादसे की जानकारी नहीं दी गई और अस्पताल बुलाकर मृत्यु की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी। उसके पिता करनैल सिंह के साथ उस समय ड्यूटी दे रहे अन्य पुलिस कर्मचारी कौन थे, इसके बारे में पुलिस नहीं बता रही। हरप्रीत कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पिता की हत्या की गई है, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। पापा मेरे ड्यूटी करते हैं और ते गोली लगी नान दे, पता नहीं किन्ने मारिया। तानू की लगता? अरे ताके ना दस्या के ना ड्यूटी दे ले। मेरा पापा एज किन्ने ना दी? ओना ने होगी 50 दे आगे जाएंगे। डेरा बाबा नानक के डीएसपी कमलप्रीत सिंह ने बताया कि एएसआई करनैल सिंह के साथ जसविंदर सिंह और सतविंदर सिंह ध्यानपुर के पास ड्यूटी कर रहे थे। ध्यानपुर के पास एक दुकान पर जसविंदर और सतविंदर चाय पी रहे थे। इसी दौरान करनैल सिंह अपनी सर्विस राइफल साफ करने लगे, अचानक गोली चलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वाले द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने पर डीएसपी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। ये साढ़े ध्यान थाना कोटली सूरत मली कस्बा ध्यानपुर से रैपिड रूरल रिस्पोंस ड्यूटी चल रही है। ये तीन मुलाजम से करनैल सिंह, जसविंदर ते सतविंदर। और जिहड़ा करनैल सिंह से दो मुंडे जो चाह पीन लग गए, जी गए तो वह वैपन आई थिंक शायद साफ कर दें, वो जी गले जी गोली हिट हुई है। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हुण मैं मौके पर चलिया, फिर इन्हां दे घर दे मैंबर भी आ गए और मुलाजम भी नाल आ, उत्थे बैठ के जो मौके पर सारा विजिट करके फिर प्रॉपरली तुहानूं स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन सर परिवार कुछ होर ही एलीगेशन लगा रहे, पुलिस दे उत्ते एलीगेशन लगा रहे? चलो वो तो देख लेने, उस एंगल तो भी देख लेंगे सर, जो ऑल एंगल्स तो जो उन्होंने कोई स्टेटमेंट हैगी वो उस एंगल तो भी यही इन्वेस्टिगेट करा। सर जो इंसिडेंट होया तो किन्ने पुलिस मुलाजम नाल सी? ये दो पुलिस। हाँ, प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।